एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में आपका दोस्त प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे GoPro 8 व्लॉगिंग केज जो कि GoPro Hero 8 एक्शन कैमरे का केज है। तो चलते हैं, इसके बेनिफिट मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों आज हम Ulanzi का GoPro 8 व्लॉग केज का अनबॉक्सिंग करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया एक्सेसरी है GoPro Hero 8 हमारे एक्शन कैमरे के लिए। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने बाय किया है, तो हम इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा GoPro 8 व्लॉगिंग केज। तो इसमें मैं बता देता हूँ, ये दो पार्ट्स एक्सेसरी जो है ये एक्स्ट्रा बाय की है मैंने। ये है एक्सटर्नल माइक जो लगाते हैं उसका एक्सटेंशन है, इसको आप हटा भी सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक तरह का एक्सटेंशन है, आप माइक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा माइक ऊँचा करना हो तो उसके लिए ये आपने एक्स्ट्रा बाय करना पड़ेगा। उसके अलावा ये है हमारा एक्सटर्नल माइक अडेप्टर के लिए स्लॉट दिया गया है, इसको भी आप एलन की से इसको अलग करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपल एक केज के लिए। तो ये दो एसेसरी आप एक्स्ट्रा ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इसका प्राइस दोनों का अलग है। वैसे ये तीनों चीज़ मुझे लगभग 2900 रुपये की कॉस्ट की है, अली एक्सप्रेस से मैंने बाई की है। और अगर आप ये दो आइटम नहीं लेते हैं तो ये लगभग 1700 प्राइस कॉस्ट करेगी। तो दोस्तों ये है एक मेटल व्लॉगिंग केज GoPro 8 का। इसको मैं खोलता हूँ, ये ऐसे शायद हाँ ये ऊपर की तरफ खुल जाएगा और बंद भी ये इसी तरह होगा, ऊपर से नीचे की तरह आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये आपका बंद हो गया। ये अपना बैटरी डोर है हमारे GoPro का, और उसमें आप एक्सटर्नल माइक के लिए या चार्जिंग के लिए एक स्लॉट दिया गया है जो कि हमारे मेन GoPro 8 में नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें कोई स्लॉट नहीं है। तो आपको अगर एक्सटर्नल माइक लगाना है तो इसको पूरा आपको ओपन करना पड़ेगा इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बैटरी एक्सपोज हो जाती है, लेकिन इस डोर की वजह से हमारी बैटरी भी सेफ होगी और आपका एक्सटर्नल माइक भी लग गया या आप चार्जिंग करना चाहे चार्जिंग भी हो जाएगी। तो ये दोनों काम हो जाते हैं इस डोर की वजह से। तो मार्केट में ये सिंपल डोर भी मिलता है एक्स्ट्रा, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आई थिंक 900 का है अपना अली एक्सप्रेस पे, वहाँ पे ये स्लॉट दिया गया है यहाँ पे एक, जिसमें आप अपना जैक लगा सकते हैं इसके अंदर, सी टाइप जैक इसके अंदर चला जाएगा, तो आपका बैटरी भी सेव हो जाएगी और आपको स्पेस भी मिल जाता है। तो ये आपको अली एक्सप्रेस पे मिल जाता है। तो ये हमारा पूरा केज है, ये हमारा Ulanzi का GoPro 8 व्लॉगिंग की। तो अब हम इसमें अपना कैमरा फिट करते हैं, पहले खोल लेता हूं इसको। तो सबसे पहले हमें अपने GoPro 8 का डोर हटाना पड़ेगा और इसको भी हमने खोलना पड़ेगा। ये हम नीचे की तरफ खींच के हम खोल सकते हैं, ये अलग हो गया। तो अब हम इसमें अपने कैमरे को फिट करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है, टाइट फिटिंग है ताकि आपका कैमरा हिले ना, बहुत बढ़िया है ये देखिए। तो उसके बाद हम अपना ये डोर लगा दिया है, अब यहाँ से हम अपना एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। तो ये हम अपना एक्सटर्नल माइक इसके अंदर फिट कर देते हैं इस तरीके से, ये हमारा एक्सटर्नल माइक फिट हो गया इसके अंदर। अब दोस्तों हम अपना डोर को क्लोज कर लेते हैं, अपना सिंपल तरीका है डोर क्लोज करने का, ये दोनों तरीके ऊपर से प्रेस करना है। तो ये हमारा डोर क्लोज हो गया। तो ये हमारा व्लॉगिंग सेटअप है, इसके लिए मैं थोड़ा एक्सटेंशन के लिए ये लगा देता हूँ। तो इसमें हम लगाएंगे एक्सटर्नल माइक जो कि है रोड का वीडियो माइक्रो माइक, ये मैंने एक्सटर्नल माइक बाय किया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये हम अपना फिट करेंगे अपने अडेप्टर के साथ। तो ये इसमें एक्स्ट्रा शू दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं ये इस तरह से। जो इससे पहले GoPro 7 का केज है ये देखिए, ये प्लास्टिक का केज है, ये मेटल का केज है, ये तो लगभग 550 का मिल जाता है, Ulanzi का ही है ये, सेम दोनों एक कंपनी है। ये GoPro 5, 6, 7 में यूज़ होता है, लेकिन अब थोड़ा साइज़ बढ़ गया है अपना GoPro 8 का, इसकी वजह से हमें नया केज लेना पड़ा। और का जो देखिए शू लगे हुए हैं ऑलरेडी, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन इसमें हमारे को दोनों ऑप्शन दे रखी हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अपने ट्राईपोड को, जिस तरह का मेरा ये ट्राईपोड है ये डायरेक्ट लगेगा, ये देख रहे हैं इस तरीके से। और दूसरा अगर ये इस टाइप का है आपका
सेल्फी स्टिक है या ट्राइपॉड है या कुछ भी है, उसके लिए आपको शू लगाना पड़ेगा। ये दो बोल्ट दिए गए हैं और एलन की दी गई है, उसकी मदद से आप फिर यहाँ पे ऐसे फिट करके आप लगा सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन दी गई है। हमारा ये अब व्लॉगिंग सेटअप तैयार हो गया है। अब मैंने सिर्फ ये ट्राइपॉड लगाना है इसके साथ। तो इस तरीके से हमारा व्लॉगिंग सेटअप तैयार हो गया है और ये बड़ा कम्पैक्ट है, बहुत छोटा है, जो कि हमारे बहुत भरी भरकम DSLR की से रिस्पेक्टिवली बहुत काफ़ी कम्पैक्ट है। दोस्तों कैसा लग रहा है ये सेटअप, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना। तो आपने देखा कि मैंने अनबॉक्सिंग करके अपना एक सेटअप तैयार किया है व्लॉगिंग सेटअप। तो ये जो केज था मैंने अभी आपको दिखाया है, ये पूरा मेटल का केज है और इसमें हमारा GoPro बहुत ही सेफ है, क्योंकि अगर गिर भी जाए तो ये केज के अंदर हमारा GoPro बिल्कुल सेफ रहेगा और लेंस भी हमारा प्रोटेक्ट रहेगा। उसके अलावा इसमें एक चैम्बर है एक्सटर्नल माइक अडॉप्टर के लिए, अलग से चैम्बर है मैंने बताया था जैसे, और ये एक्सटेंशन है हमारे एक्सटर्नल माइक के लिए, आप इसको हटा भी सकते हैं जैसे मैंने दिखाया था। और इसके अलावा ये मेरा ट्राईपॉड है और अब हम इससे अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बहुत ही कम्पैक्ट छोटा सा मैंने ब्लॉगिंग सेटअप बनाया है। GoPro 8 एक्शन कैमरा जो है बहुत ही शानदार कैमरा है, जो बिल्कुल लेटेस्ट आजकल निकाला है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे हमारे एक्शन GoPro 8। दोस्तों अभी जो वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं वो है GoPro Hero 8 एक्शन कैमरे की, और उससे पहले आप देख रहे थे कैनन D200 की। तो अभी हमारा व्लॉगिंग सेटअप तैयार हो गया है जिससे मैं अभी वीडियो फुटेज बना रहा हूँ। आपको ये सेटअप कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इसमें जो जो एसेसरी यूज़ हुई है मैं उन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। और बाकी आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इसी तरह आगे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।